मिटियोर हिट्स नॉर्वे। तो हम बात करने वाले हैं मिटियोर यानी कि उल्का पिंड के बारे में, और देखा है तो यह उल्का पिंड जो है नॉर्वे को। तो यहाँ पर हम जानेंगे मेटेराइट एंड मेटेराइट्स के बारे में डिटेल से, और आपको पिक्चर में दिख रहा होगा किस तरह से जो है मेटेराइट या बोल सकते हैं मेटियोर्स फॉल करते हैं पृथ्वी पर और किस तरह से बर्न होते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले मेटियोर और मेटेराइट्स को समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा आपको एस्टेराइड, और एस्टेराइड क्या होता है। तो देखा है तो यह रॉक की बॉडी स्मॉलर देन ए प्लेनेट दैट ऑर्बिट द सन। तो यह जो है प्लेनेट से छोटा होता है और एक तरह का चट्टान मान सकते हैं, और यह सन के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है जिस तरह से प्लेनेट चक्कर लगाते रहता है, और जब यह टूटता है तो बनता है मेटेरॉइड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब यह एस्टेरॉयड ब्रेक डाउन होता है तो मेटेरॉइड बनता है। रॉकी या मेटालिक फ्रेगमेंट ऑफ एन एस्टेरॉयड कॉमेट या प्लेनेट। तो जब ये टूटता है एस्टेरॉयड तो बनता है मेटेरॉइड, और सेम थिंग अगर मेटेरॉइड अगर टूट गया तो बन गया मेटेराइट। तो जब मेटेराइट बनेगा तो ये क्या होता है बहुत हल्का हो जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, और यह भी जो है स्पेस में घूमते रहता है। तो जिसकी वजह से देखा तो कहीं ना कहीं किसी ग्रह के इन्फ्लुएंस में आता है यानी प्लेनेट के इन्फ्लुएंस में आता है, और वह उसके एटमोसफेयर में एंट्री करता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो अर्थ के एटमोसफेयर में यह जो है उल्का पिंड बोलिए मेटेराइट यह जो एंट्री किया, और उसके बाद जो है बर्न होने लगता है बिकॉज ऑफ यहाँ पर एटमोसफेयर के कारण। तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं यह कहाँ पर अभी जो फॉलो। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे आपको मैप, जहाँ पर आपको मिलेगा ये नॉर्वे है जिसकी राजधानी जो कैपिटल है ओस्लो है, और ओस्लो से देखा जाए तो वेस्ट की तरफ अगर देखें तो ये वाला साइड जो है डिटेक्ट किया गया है कि पॉसिबल है कि यहाँ पर मेटियोर लैंडिंग हुआ है। तो ये लैंडिंग साइट आपको यहाँ पर देखेगा। तो ये जो है इसके बारे में हम चलते हैं डिटेल से जानने के लिए। आपने देखा मैप नॉर्वे का, और नॉर्वे का जो बॉर्डर है देख सकते हैं स्वीडन, और ऊपर में नॉर्थ साइड में रशिया से भी जो है टच होता है। नाउ यू कैन रीड हियर न्यूज लार्ज मेटियोर दैट इल्यूमिनेटेड द नाइट स्काई इन द कंट्री साउथ ईस्ट नॉर्वे। तो यहाँ पर देखा जाए तो यह जो मेटियोर फॉल हुआ है यानी कि उल्का पिंड ये गिरा है साउथ ईस्ट वाले रीजन में, यानी कि नॉर्वे की जो कैपिटल है ओस्लो उसके वेस्ट में देखा जाए तो यह गिरा है, जैसा कि आपने देखा लैंडिंग साइट। तो फुटेज शो पावरफुल फ्लैशेस ऑफ लाइट ओवर नॉर्वे फॉलोड बाय द व्हाट विटनेस डिस्क्राइब्ड एज लाउड बैंग्स ऑन संडे। तो यहाँ पर देखा तो इस तरह का वीडियो में जैसे आपने फुटेज देखा किस तरह से पावरफुल फ्लैशेस लाइट जो है नॉर्वे के ऊपर चमकता, उसके बाद जो है विटनेस यहाँ पर लोगों का कहना है कि ऐसा कुछ जो है संडे को हुआ है। नॉर्वेजियन पुलिस से द रिसीव्ड ए फ्लरी ऑफ इमरजेंसी कॉल्स बट देयर वेयर नो रिपोर्ट्स ऑफ इंजरी या डैमेज। तो नॉर्वेजियन पुलिस का यहाँ पर कहना है कि इस तरह का जो है इंफॉर्मेशन उसे मिला है बट देखा है तो किसी तरह का इंजरी या डैमेज नहीं रिपोर्ट दर्ज किया गया है। ए टीम ऑफ एक्सपर्ट द हंटिंग फॉर द मेटियोर विच दे बिलीव लैंडेड इन ए फॉरेस्ट नियर द कैपिटल ओस्लो। तो यहाँ पे बताया जाता है कि यह जो उल्का पिंड या मेटियोर लैंड हुआ है या देखा है तो ओस्लो कैपिटल के नियर में और फॉरेस्ट वाले एरिया में जो है ये लैंड हुआ है, और इसकी ऑपरेशन जो है जारी है यानी इसकी खोज। ए मेटियोर इज ए स्पेस रॉक दैट हैज बर्न अप आफ्टर इंटरिंग अर्थ एटमोसफेयर एट हाई स्पीड। तो जैसा मैंने पहले बताया कि मेटियोर जो होता है मेटोर एक तरह का जो स्पेस रॉक बॉडी होता है जो कि बहुत छोटा होता है यानी कि कंपेयर टू एस्टेरॉइड के कंपेयर किया जाए तो उससे, और वह जब भी एटमॉस्फेयर में एंट्री करता है तो बर्न होने लगता है बिकॉज ऑफ उस हाई स्पीड की वजह से। और द नॉर्वेजियन मेटियोर नेटवर्क से संडे फायरबॉल वाज विजिबल फॉर एट लीस्ट 5 सेकेंड आफ्टर इट्स अपियर अबाउट 1 o'clock लोकल टाइम यानी कि 23:00 GMT टाइम के अनुसार जो है यह देखा गया था मेटियोर नॉर्वे में लैंड होते हुए। और यहाँ पर न्यूज आप पढ़ सकते हैं नॉर्वेजियन एस्ट्रोनोमर वेगार्ड रेका हैज टोल्ड द बीबीसी हिज वाइफ वाज अवेक एट द टाइम शी कुड हियर शेकिंग इन द एयर बिफोर एन एक्सप्लोजन शी अज्यूम्ड वाज समथिंग हैवी फॉलिंग नियर द हाउस। तो नॉर्वेजियन का एस्ट्रोनोमर इसका नाम है वेगार्ड रेका, उन्होंने बीबीसी को बताया कि उसकी पत्नी जो है उस समय जग रही थी यानी कि सोई नहीं हुई थी, और उसने देखा इस तरह का सुना कि हवा में कुछ शॉकिंग शेकिंग की तरह आवाज, उसके बाद एक्सप्लोजन हुआ उसके घर के पास वाले एरिया में देखा जाए। तो मिस्टर रेका वेक अप ही सेड टू
fantastic videos of meteor which was something very seldom seen in Norway and anywhere in the world. तो उन्होंने देखा किस तरह का fantastic video जो है meteor fall हुआ है और देख सकते हैं something very seldom seen in Norway anywhere in the world. A team of experts have been sent to the area where the meteor is suspected to have landed. तो यहाँ पर देखा तो एक टीम को जो है उसने भेजा है वहां पर और इस तरह का जो है सस्पेक्ट है कि उसकी कहां पर लैंड हुआ एग्जैक्टली ऑपरेशन चालू है. इनिशियल रिसर्च सजेस्ट द मेटोराइट मे हैव हिट द ग्राउंड इन ए वुडेड एरिया कॉल्ड फिनरमार्का अबाउट 60 किलोमीटर 40 माइल्स वेस्ट ऑफ ओस्लो. तो यह देखा है तो ओस्लो से 60 किलोमीटर वेस्ट में गिरा है और उस एरिया को देखा जाए तो वहाँ पे कहता है फिनेमार्का. तो आई होप ये न्यूज आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.